दोस्तों, हम लोग पतंग तो उड़ाते हैं, प्लास्टिक का मान जगह इस्तेमाल ना करें कितने बार काफ़ी लोगों को बताया गया है। इसका सिर्फ लोगों को ही परेशानी नहीं होती है, इन चीज़ों से मांझे से बेजुबान भी परेशान होते हैं। पतंग के एक फेस्टिवल से कई बेजुबान जो है कैसे परेशान होते हैं, आप ये देखिए। यहाँ पे देखिए ये कबूतर आज सुबह से पता नहीं, आज शाम से इस मांझे में ऐसे फंसा हुआ है। ये आज सुबह से इस मांझे में फंसा हुआ है, दिख रहा आपको? ऐसे एक ही नहीं, ऐसे बहुत कबूतर, बहुत बेजुबान कबूतर पक्षी बहुत हैं जैसे परेशान होते हैं। ये देखो इस कबूतर की हालत देखो, ये बेचारा मुझे नहीं पता कब से ऐसे परेशान है। ये जिस तरह ये कमज़ोर दिख रहा, मुझे मेरे ख्याल से लगता नहीं है ये कि आज का फंसा हुआ है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह का धागा मांझा ना यूज़ करें। देखो भाई साहब, देख रहे हो इसकी हालत? ये मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन मेरे ख्याल से है इसके, ना पेट में कुछ है ना कुछ है। ये चीज़ निकला है इसके ऊपर से, ये धागा है सारा, और ये हालत है इसकी। ये देखो दोस्तों, इसकी बहुत बुरी हालत थी। इस वक्त इसके पेट में भी कुछ नहीं है, ना खाना है ना पानी है। मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन से इतनी बुरी हालत में था। अब इसको रेस्क्यू तो कर लिया है, अब इसकी ये है कि इसको मैं छोड़ूंगा, अभी तो उड़ नहीं पा रहा है डर के मारे। और दूसरी बात, पता नहीं कब से लटका हुआ वहाँ पे, इसका ये वाला जो बाजू है ठीक से काम नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे मेरे दोस्त हैं सोनू, उनके पास लेके आया, क्योंकि खुद भी और भी पिजन्स की कैरिंग करते हैं, तो 2-3 दिन उसके उनके पास रहेगा, थोड़ा खा पी लेगा तो थोड़ा इसमें ताकत आ जाएगी। और एक और चीज़ आप लोगों को बता दो, जो कि आप लोगों को बहुत बुरा भी लगे सुन के, ये इसके बच्चे भी हैं। ये इसके मुंह की जगह से, इस जगह से देख के पता चल रहा है कि ये इसने अपने बच्चों को खाना भी खिलाती है। पता नहीं कब से इसके बच्चे भूखे हैं, ये कब से घर नहीं गई है, कुछ नहीं पता। तो अभी मैं फ़िलहाल अपने सारे दोस्तों को, ये जितने लोग हैं, आप लोग पतंग तो उड़ाते हो बट ये जो प्लास्टिक का मांझा यूज़ करते हो, तो उससे इन बेजुबानों में प्रॉब्लम आती है, इनको प्रॉब्लम होती है इन चीज़ों से, ये खुद बता नहीं सकते। और इनके इनका जो मुँह होता है, और ना इनमें इतनी ना ताकत होती है कि वो धागे को काट पाए। एक बाल, जो लेडीज़ के बाल होते हैं, दूसरा होता है मांझा धागा। इन चीज़ों से हमेशा इसीलिए बोला जाता है कि प्लास्टिक का मांझा खुद भी ना यूज़ करो, ना औरों को करने दो, ना सेल करो। मैं इस बेजुबान के जरिए मैं ये न्यूज़ सबको बोल रहा हूँ कि प्लीज़ ये प्लास्टिक का मांझा और धागा जो है यूज़ ना करें। आप लोगों को मैं इसकी हालत दिखाता हूँ, मैं अभी फ़िलहाल इसको नीचे छोड़ दूँ, आप लोग देखिए। ये ऐसे परिंदे जो कि किसी के हाथ में जाते थे, रुकते भी नहीं है, आपके इतने दूर से डिस्टेंस में भी ये भाग जाते हैं। बट ये देखो, ये इस वक्त ये हालत देखो इसकी। तो आप लोगों को सबसे रिक्वेस्ट है कि ये ऐसा मांझा या चीज़ें जो है आपके आपके छतों में कहीं पे भी आपको दिखता है, तो उसको या फिर जला दो या फिर किसी पन्नी में बांध के इसको फेंक दो। ये सोनू भाई साहब जो हैं, मतलब ये काफ़ी इनका मेडिकल भी जानते हैं और इनकी थोड़ी दवाइयाँ भी जानते हैं, और ख़ुद भी कबूतर रखते हैं। तो मैं इसको इनके पास लेके आया हूँ, तो आज ये कम से कम 2 से 3 दिन जो है इनके पास इसको रहना ही पड़ेगा, नहीं तो क्योंकि अभी इसके बाजू में बिल्कुल भी ताकत नहीं है। अब पता नहीं इसको फ्रैक्चर हुआ है क्या हुआ है, थोड़ी सी इसको परों में भी थोड़ी दिक्कत हो गई है। तो 2-4 दिन कम से कम इसको रखें, इसको खाना पानी पिलाएं, उसके बाद इसको रेस्क्यू करके रेडी करके इसको फिर से यहीं से उड़ा दिया जाएगा। आपको मैं अभी दिखाता हूँ सोनू भाई साहब के जो कबूतर हैं, आप इधर देखोगे ये बैठे हुए, ये इनने कबूतर रखे हुए, तो इनको काफ़ी चीज़ों के बारे में नॉलेज है, तो हम थोड़े सेटिस्फाइड रहेंगे कि सेफ़ जगह में इस वक्त ये पंछी पहुँच गया। धन्यवाद।